प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट आपको ऑलरेडी सब पता है। सपोज मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, तो कॉन्जुगेट क्या होता है टू माइनस थ्री आई। मॉड्यूलस क्या होता है वी राइट लाइक दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट ऑफ 13। ये क्या हो गया मेरा मॉड्यूलस हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या होगा आर्ग्यूमेंट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री बाय टू, राइट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो जो पहली प्रॉपर्टी है क्या है, जब मेरा कोई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय टू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस कॉम्प्लेक्स नंबर सी टू प्लस थ्री आई प्लस टू माइनस थ्री आई डिवाइड बाय टू, इट इज इक्वल टू वॉट इट इज रिमेन्स टू, राइट। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी वॉट जेड माइनस जेड जेड बार अपॉन टू, टू प्लस थ्री आई माइनस टू माइनस थ्री आई डिवाइड बाई टू, क्या हो जाएगा थ्री आई आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहां तक कितनों को आया समझ में, चलो गुड इजी है। अब देखो अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज आई हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका एडिशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सपोज आई टेक फ्रॉम हेयर नाउ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आई जेड टू इक्वल टू फोर प्लस सिक्स आई। तो देखो जेड वन प्लस जेड टू क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन सिक्स प्लस नाइन आई। देखो एडिशन का कॉन्जुगेट क्या होगा, एडिशन का कॉन्जुगेट होगा सिक्स माइनस नाइन आई, राइट। और अगर मैं इंडिविजुअल कॉन्जुगेट करता हूं जेड वन का कॉन्जुगेट क्या होगा टू माइनस थ्री आई, जेड टू का कॉन्जुगेट क्या होगा फोर माइनस सिक्स आई, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट करेंगे तो सिक्स माइनस नाइन आई ही रहेगा। सो अगर मैं ऐड करके कॉन्जुगेट करूं या इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करके ऐड करूं आंसर सेम आता है, ठीक है। सेम विद सब्ट्रैक्शन, सेम विद सब्ट्रैक्शन, सेम विद मल्टीप्लीकेशन, सेम विद डिवीजन। मैं मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करूं डिवाइड करके कॉन्जुगेट करूं फर्क नहीं पड़ता। अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट करो तो वही हो जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट करो तो वही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू माइनस थ्री आई, सॉरी टू प्लस थ्री आई का कॉन्जुगेट क्या होगा टू माइनस थ्री आई। अब मैं इसका डबल कॉन्जुगेट कर दू, इफ आई टू डबल कॉन्जुगेट मतलब क्या टू माइनस थ्री आई का कॉन्जुगेट विच बिकम सेम टू प्लस थ्री आई, सिंपल। अब देखो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कॉन्जुगेट को मैं पावर दू, कॉन्जुगेट का स्क्वायर करूं या स्क्वायर करके कॉन्जुगेट करूं आंसर रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं टू प्लस थ्री आई, अब टू प्लस थ्री आई का सपोज मैं स्क्वायर करता हूं क्या आएगा फोर माइनस नाइन प्लस 12y, फाइनली माइनस फाइव प्लस 12y। अब मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूं, इसका मैं कॉन्जुगेट करता हूं टू प्लस थ्री आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट माइनस फाइव माइनस 12y। मैंने स्क्वायर करके कॉन्जुगेट किया, नाउ मैं व्हाट आई डू आई कॉन्जुगेट करके, मैं कॉन्जुगेट करके स्क्वायर करता हूं। तो देखो टू प्लस थ्री आई का कॉन्जुगेट क्या होगा
विग्नेश अब दो तो कैसे हो गए, टू प्लस थ्री आएगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, टू माइनस थ्री है। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूं, टू माइनस थ्री आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व आई, क्या माइनस थर्टी माइनस फाइव, क्या हो गया अब है, देखो सेम आया ठीक है। यहां तक कितनों को समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, बहुत इजी है राइट। बच्चों के यहां पे वो है गूगल का या कुछ तो है इवेंट, तो ठीक है अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग लाइक जेड क्यूब प्लस फोर जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड प्लस नाइन, और जेड मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जेड मेरा कुछ भी हो सकता है। नाउ सी ए बार इज इक्वल टू जेड बार का क्यूब प्लस फोर जेड बार का स्क्वायर प्लस सिक्स जेड बार प्लस नाइन। देखो इसका एडवांटेज कहाँ आता है, इसका एडवांटेज कहाँ आता है, देखो हमने एक क्वेश्चन किया था राइट, मैं पीछे जाता हूँ, एक क्वेश्चन जो हमने किया था, एक बार फिर मैं उसको एक बार डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये रहा ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं ताकि हम इसके डायरेक्ट आंसर करें। एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटीन फॉर एक्स इक्वल टू वन प्लस टू आई इज माइनस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर आई। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हमने सॉल्व क्वेश्चन, आई होप आपको याद होगा, सूरज आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा फर्स्ट डे लेकिन आप कवर अप कर लोगे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, लेट्स कम टू दिस कॉन्सेप्ट, इस प्रॉपर्टी पे नाइन्थ में सी, इफ व्हाट इज गिवन, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटीन फॉर एक्स इक्वल टू वन प्लस टू आई इज माइनस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर आई, देन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सटीन फॉर एक्स इक्वल टू वन माइनस टू आई इज, अब देखो मैं अगर x का कॉन्जुगेट कर रहा हूं, x का कॉन्जुगेट कर रहा हूं तो फाइनल आंसर ये है मेरा, जब मैं एक्स क्यूब सेवन एक्स स्क्वायर एक्स इसमें पुट करता हूं मेरा आंसर क्या आता है, ये आता है। अब मैंने x को कॉन्जुगेट x बार कर दिया, अब मैंने इसको कॉन्जुगेट कर दिया और मैं कॉन्जुगेट को जब पुट करूंगा तो क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा माइनस सेवनटीन माइनस ट्वेंटी फोर है, मतलब सीधे आंसर को कॉन्जुगेट कर दो, सीधे आंसर को कॉन्जुगेट कर दो, ये इक्वेशन मेरी हो क्या जाएगी फाइनली, ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स बार क्यूब प्लस सेवन एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्स बार प्लस सिक्सटीन। सो इट टेक्स इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन का। कितनों को समझ में आए, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, साक्षी को नहीं आया, ये साक्षी क्या डाउट है, यू का आंसर इज लेट, चलो ठीक है आई गिव वन मोर एग्जाम्पल सी, इफ एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर फॉर ए फॉर एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी इज टू प्लस सेवन आई। मतलब क्या, जब मैं x की वैल्यू a प्लस आई बी ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू प्लस सेवन आई। मतलब a प्लस आई बी इसमें डाल रहा हूं, जब मैं a प्लस आई बी इसमें डाल रहा हूं तो मेरे आंसर क्या आ रहा है, टू प्लस सेवन आई, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर a माइनस आई बी, व्हाट विल बी आंसर ऑफ a माइनस आई बी, a माइनस आई बी का आंसर क्या होगा। सपोज जब मैं a प्लस आई बी डाल रहा हूं इसके अंदर तो मेरा आंसर टू प्लस सेवन आ रहा है, तो जब मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर में a माइनस आई बी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, आंसर सीधे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट कर दो, सीधे कॉन्जुगेट कर दो। मतलब अगर इनपुट कॉन्जुगेट हो रहा है तो फाइनल आउटपुट कॉन्जुगेट हो जाएगा, अगर पूरा इनपुट कॉन्जुगेट हो रहा है तो आउटपुट कॉन्जुगेट हो जाएगा। आया समझ में? चलो गुड, ओके। सो ये एक प्रॉपर्टी, इसका फायदा क्या रहता है, बहुत कैलकुलेशन टाइम सेव होता है, ठीक है। इंजुगेट इनपुट हम कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हम कर रहे हैं। सपोज आपको 2 प्लस 3 आई के लिए आंसर दिया है और उधर 2 माइनस 3 आई के लिए क्या है, तो क्या करोगे आप, सीधे आंसर को कॉन्जुगेट करोगे। आया शिवम समझ में? ओके okay. अब कुछ प्रॉपर्टीज कंटिन्यूएशन, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे लास्ट टाइम की तरह प्रॉपर्टीज, देखो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर है, डिविजन का कॉन्जुगेट इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर है, वैसे ही मॉड्यूलस में भी डिविजन और प्रोडक्ट का मॉड्यूलस क्या होता है, इंडिविजुअल मॉड्यूलस के बराबर होता है। जैसे जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव इंटू जेड एन का मॉड्यूलस सेम है। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस टू आई इंटू टू प्लस फोर आई के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मॉड्यूलस ले लो, क्या वन प्लस टू आई मॉड्यूलस टू प्लस फोर आई, क्या फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट 20। सो इससे क्या होता है, इससे टाइम काफी सेव होता है। सपोज मेरे पास 100 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जेड वन टू जेड एन, अब मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस लेने से अच्छा है इंडिविजुअल मॉड्यूलस ले लो। सेम विद डिवीजन, देखो वन प्लस टू आई अपॉन टू प्लस फोर आई का मॉड्यूलस इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस, इंडिविजुअल मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस फोर अपॉन अंडर रूट फोर प्लस सिक्सटीन इक्वल टू रूट फाइव बाय रूट ट्वेंटी इक्वल टू वन बाय रूट फोर इक्वल टू वन बाय टू, दिस इज हाउ वी डू, ठीक है। सेम विद पावर, सेम विद पावर, जेड की पावर एन का मॉड्यूलस इज इक्वल टू जेड का मॉड्यूलस की पावर एन। व्हाट डज इट मीन, 1 प्लस 2 आई की पावर 6 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आई का मॉड्यूलस की पावर 6। अब देखो ये बहुत टफ है, 6 बार मल्टीप्लाई करो से मॉड्यूलस लो, इससे अच्छा क्या है मॉड्यूलस लेके 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा रूट 5 की पावर 6, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 120। कितनों को यहां तक समझ में आया, कितनों को यहां तक समझ में आया, तो ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टीज याद होंगे जब जितना हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ये साक्षी क्या डाउट है पूछो, लास्ट पार्ट देखो, 1 प्लस 2 आई की पावर की 6 का मॉड्यूलस, देखो इसमें n बाहर है, इस अंदर है सॉरी, और इसमें n बाहर है, इसमें n अंदर है, इसमें n बाहर है, तो जब दोनों का आंसर सेम आएगा, जैसे मैंने आपको कॉन्जुगेट में बताया था, देखो जैसे मैंने कॉन्जुगेट में बताया था,
एन बाहर हो या अंदर हो, आंसर क्या आता है? कॉन्जुगेट का सेम। वैसे ही मॉड्यूलस में एन अंदर हो या बाहर हो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। आया समझ में? यस। अब देखो, हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस का स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर। एग्जाम्पल, जेड क्या है मेरा? ए प्लस आई बी। जेड बार क्या हो जाएगा? ए माइनस आई बी। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जेड इंटू जेड बार क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस आई ए बी माइनस आई ए बी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। फाइनली क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? मॉड जेड का स्क्वायर है कि नहीं? मॉड जेड का स्क्वायर है, राइट? मॉड जेड का स्क्वायर है। मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो तो मॉड जेड स्क्वायर आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल। एग्जाम्पल, आई टेक टू प्लस थ्री आई, जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड विल बी इक्वल टू फोर प्लस नाइन इक्वल टू अंडर रूट 13 माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा? अब देखो, माइनस जेड क्या होता है? माइनस जेड इज माइनस टू माइनस थ्री आई, राइट? तो माइनस मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13। वैसे कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? टू माइनस थ्री आई, इसका मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 13। वैसे इसका भी मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13। तो सारे सेम ही हैं। कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आई। देखो, जैसे आपको ट्रायंगल में पता है क्या? बेस एंड परपेंडिकुलर आर ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, राइट? वैसे ही ये है। ये बेस की तरह मान लो, ये हाइपोटेन्यूज की तरह मान लो, सॉरी परपेंडिकुलर की तरह मान लो, मॉड्यूलस हाइपोटेनियस की तरह मान लो। सो देखो, अगर मेरा जेड टू प्लस थ्री आई है तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा? जेड अगर मेरा टू प्लस थ्री आई है तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, या फिर इजी ले लेते हैं, फोर प्लस थ्री आई, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? फाइव। देखो, रियल ऑफ जेड इज लेस देन फाइव, वैसे इमेजिनरी ऑफ जेड इज लेस देन फाइव। देखो, ये इक्वल को कब होगा? देखो, व्हेन माय नंबर इज रियल नंबर, जब मेरा सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, दैट टाइम रियल ऑफ जेड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। फॉर एग्जांपल, आई टेक ओनली रियल नंबर्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये सब रियल नंबर्स है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है? रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सिमिलरली, जब मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, जब मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। फॉर एग्जांपल, सिर्फ इमेजिनरी, टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई, ये सब क्या है? मेरे सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। तो इस केस में क्या होगा? इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड मतलब क्या? सिर्फ नंबर टू थ्री फोर फाइव,
और मॉड ऑफ जेड भी क्या होगा, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो गए ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। ठीक है, आपके यहाँ पे मौसम क्लाइमेट कैसा है स्टूडेंट्स? मेरे यहाँ पे तो बहुत खराब क्लाइमेट है। सेम, माय क्लाइमेट इज नॉट गुड, बारिश आती ही जाती है। मेरे यहाँ पे तो अभी क्लास के जस्ट पहले लाइट चली गई थी, मुझे लगा क्लास क्लास हो नहीं पाएगी, जस्ट लाइट गई। चलो ठीक है, चलो क्या हो गया भाई, देखो स्टूडेंट्स सी दिस 16th एंड 17th, ये किसकी तरह प्रॉपर्टीज, ये किसकी है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है। कुछ याद आ रहा है आपको मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज? आर यू एबल टू रिमेम्बर? जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे राइट, सब हमेशा याद रखो जेड वन प्लस माइनस जेड टू इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सम एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस। तो जो मेरा सम या सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब मैं उसका मॉड्यूलस लेता हूँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रहती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रहती है और मिनिमम वैल्यू ये रहती है। ओके, जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूं फंक्शन रीडिफाइन फॉर ईच एलिमेंट इन डोमेन देयर शुड बी ओनली यूनिक रेंज, यूनिक एलिमेंट इन रेंज दैट इज फंक्शन। y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू साइन x, cos x, tan x, cot x। ठीक है, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं ताकि आपको भी फ्लो मिल जाए। अब देखो मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, क्या आपको वेक्टर एडिशन का कुछ याद आ रहा है? वेक्टर एडिशन कैसे करते थे? ऐसे करते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर क्या होता था, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, कुछ याद आ रहा है? सेम दिस जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर क्या है, ये मेरा वेक्टर एडिशन है। क्या है ये मेरा वेक्टर एडिशन? देखो जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस 2z1 z2 cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा क्या है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, इसका एंगल है एक्स एक्सिस से अल्फा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू, इसका है एंगल बीटा, तो ये बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो। यही वेक्टर है, टोटल वेक्टर है दिस कंप्लीट, ये जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको रियल नंबर क्यों लिखा है, टू आर ई जेड वन जेड टू बार, देखो ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है। मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं ये आया कैसे, हाउ दिस हैज कम, हाउ दिस हैज कम। यस, देखो जेड वन प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या, जेड वन जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड कॉन्जुगेट राइट, अभी आपको बताया था प्रॉपर्टी, मैं यही प्रॉपर्टी यहां पे लगा रहा हूं, जेड वन प्लस जेड टू का मॉड इनटू जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का कॉन्जुगेट, सॉरी मॉड नहीं हटेगा लगेगा, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स लगेगा। अब देखो कॉन्जुगेट ओपन होता है, मैंने बताया था जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का काफी बच्चे नहीं है
वेदांत इज नॉट देयर. तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, जेड वन बार प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड वन बार प्लस जेड टू बार. देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड वन स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड टू स्क्वायर. अब देखो जेड टू बार प्लस जेड वन बार. इफ यू केयरफुली सी what is the real of complex number, real of complex number is equal to z plus z bar upon 2. हमने ये पढ़ा है. So real of, if you carefully see z1 z2 bar, ये दोनों एक दूसरे का conjugate है, ये दोनों एक दूसरे का conjugate है. अब देखो if you carefully see z1 z2 bar का whole bar अपॉन टू बिकम्स रियल ऑफ z1 z2 बार. इफ यू केयरफुली सी ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. दिस बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का होल बार बाय 2. क्या हो जाएगा, 2 ऑफ रियल z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 z2 बार प्लस z1 बार z2. कितनों को आया समझ में? So that's why I've written like this. z1 के mod का square plus z2 के mod का square plus 2 real of z1 z2 बार. Yes. आलोक, साक्षी, ऋषभ, विग्नेश, संजय, अभय आया, वेरी गुड. यस शिवम, क्या डाउट है पूछो. यस अभय पूछो, लास्ट का. देखो रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, राइट. अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों क्या एक दूसरे कॉन्जुगेट है. देखो z1 z2 बार प्लस दिस इज व्हाट, z1 z2 बार एंड z1 z2 बार का कॉन्जुगेट. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और इसका कॉन्जुगेट. ये कॉन्जुगेट क्या है मेरा, दिस बिकम z1 बार z2, सेम हो गए. मतलब क्या, दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है. अब देखो कोई नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा कि नहीं कॉम्प्लेक्स का. ये प्रॉपर्टी देखो, अब 2 इधर ले आओ, 2 आर ई z1 z2 बार क्या आ जाएगा, z1 z2 बार. यस आई एम एक्सप्लेनिंग. z1 z2 mod का स्क्वायर इज z1 mod स्क्वायर प्लस z2 mod स्क्वायर प्लस 2 आर इज z1 z2 mod, सॉरी z1 z2 कॉम्प्लीमेंट और कॉन्जुगेट. ठीक है अभय, वैसे 19 पे माइनस है, माइनस क्या होगा, z1 mod का स्क्वायर प्लस z2 mod का स्क्वायर माइनस 2 आर इज z1 z2 मॉड नहीं सॉरी कॉन्जुगेट, z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर माइनस 2 आर इज z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट. सो दिस इज एडिशन प्रॉपर्टी, दिस इज सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी. ओके अब देखो एक चीज याद रखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, this addition you can directly also write like this, z1 plus z2 ka mod ka square is equal to z1 mod ka square plus z2 mod ka square plus z1 z2 bar plus z2 z1 bar. directly ye bhi likh sakte ho, both are correct, this is nothing but twice of real number of this.
अरे काफी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, बस कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज बची हैं, तीन प्रॉपर्टीज। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, एंगल। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सब इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है राइट। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक चीज और बता देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये आप समझ लो कुछ लॉग की तरह। लॉग, लॉग पढ़ा है आपने? लॉग में एडिशन मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होता है राइट। वैसे ही है ये। देखो जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंडिविजुअली ऐड होंगे आर्ग्यूमेंट के, डिवीजन सब्ट्रैक्ट होंगे इंडिविजुअली। कॉन्जुगेट माइनस आ जाता है, कॉन्जुगेट माइनस हो जाता है, कॉन्जुगेट बिकम माइनस। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन करूं, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन करूं तो क्या होगा, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। सिमिलर टू लॉग, इट इज वेरी सिमिलर टू लॉग इन एटम्स। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितनी ये स्ट्रांग रहेंगी हमारी प्रॉपर्टी, जितनी याद रहेंगी उतने क्वेश्चन क्विकली सॉल्व होंगे। अगर नहीं याद होंगी जब भी आंसर आएगा, लेकिन स्टेप्स बढ़ेंगे, स्टेप्स विल इंक्रीज, स्टेप्स विल इंक्रीज, बट इफ यू नो देम वी कैन रिड्यूस द स्टेप्स। ओके अब देखो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बहुत जरूरी है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए। दिस इज वेरी सिमिलर टू, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी सिमिलर टू टेन प्रॉपर्टी राइट। बस अंदर क्या लग रहा है, टेन लग रहा है। देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलरली टेन इनवर्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ए राइट। वैसे एक लास्ट प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए। चलो आई हैव डन, अब बताओ आपकी कंडीशन क्या, इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखे। आर यू एक्साइटेड, आर यू नर्वस, आर यू फ्रेश लाइक फ्राइड आउट, ये सब सेचुरेट हो गया, और यू आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस? यस कौस्तुभ, नर्वस? ओ आलोक, हाफ रेडी, रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन? यस सर। अनुवर्त, संजय, आज का कॉन्सेप्ट में नहीं डाल रहा पेपर में, डोंट वरी। अच्छा अभी सेचुरेट हो गए, आई एम नॉट कीपिंग टुडेज कॉन्सेप्ट इन पेपर, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। वेट, मुझे कॉल भी आ गया। अब तो ठीक है, अब नर्वसनेस कम हुई। ठीक है तो फिर आप ये क्वेश्चन करो, कैन यू प्लीज फाइंड, कैन यू प्लीज फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, कैन यू प्लीज फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस दोनों का मॉड्यूलस निकालो, आर्ग्यूमेंट निकालो। कैन यू फाइंड चैट इज पर्सनल,
यू कैन चैट विथ मी, जितना चैट करना आप मुझसे करो, जो बोलना है, जो बात करनी है, आई एम रेडी. आप आपस में बात करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. तो ठीक है, ओके. पहला वाला मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ 1+4 अपौन अंडर रूट ऑफ 1+9 क्या होगा? 5/10 इक्वल टू 1/2 या 1/√2. अब देखो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट 1+2i क्या होगा? 10 इनवर्स. अब देखो आपको मैंने बताया डिवाइड हो तो आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो माइनस होते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+2i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1-3i. 1+2i फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1-3i फोर्थ क्वाड्रेंट में. देखो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया क्या होता है, 10 इनवर्स d/a. एंड सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180+10 इनवर्स d/a, राइट. ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 3 से माइनस 3 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स माइनस प्लस 3. ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा. 10 इनवर्स a+3 अपॉन 1-ab, 10 इनवर्स 5/-1, 5/-5, 10 इनवर्स -1, -1 मतलब -10 इनवर्स 1 क्या होगा, -5/4. कितनों को बना? देखो जब 10 इनवर्स लेते हो ना, एक चीज याद रखना, सी व्हेन एवर यू टेक 10 इनवर्स 10 इनवर्स -1. देखो 10 इनवर्स -1 को अगर आप ऐसे 3π/4 लिखोगे तो गलत आंसर हो जाएगा. नेवर, डोंट डू लाइक दिस. नेगेटिव बाहर निकालो, -10 इनवर्स 1. अंदर का हमेशा पॉजिटिव रखो, अंदर का हमेशा पॉजिटिव रखो, फिर निकालो -π/4. दिस इज द रूल ऑफ 10, -π/4. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? प्लीज अगेन लास्ट पार्ट. साक्षी क्या डाउट है, क्या एक्सप्लेन करूं, मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट? यस आर्ग्यूमेंट. देखो जब डिवीजन होता है आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट होते जब डिवीजन होता है. 1+2i का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, b/a, 10 इनवर्स 2. अब देखो मैंने आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 इनवर्स b/a, तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स -3/1, -3 हो गया. अब ये माइनस बाहर आएगा, मैंने आपको बताया देखो 10 इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जब अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आता है, तो देखो ये माइनस बाहर आ गया, 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3. अब देखो 10 इनवर्स a + 10 इनवर्स b क्या है, ये प्रॉपर्टी है, a+b upon 1-ab. This is similar to 10a+10b. 10a+10b क्या होता था? 10a+b upon 1-ab. So 1-10a10b, right? 10a+10b. (10a+10b upon 1-10a10b). वैसे यहां पे हो रहा है इनवर्स में, इसलिए क्या हो रहा है, 10 नहीं लग रहा, a+b upon 1-ab, ऐसे याद रखो, इजी पड़ेगा. अब देखो 2+3 upon 1-6, 10 inverse 5 upon 10-5 क्या हो जाएगा, -1. अब माइनस बाहर आएगा, -10 inverse 1. 10 inverse 1 मतलब क्या, 5/4. आया समझ में कौस्तुभ, साक्षी, कंचन?
आदर्श आ रहा है आपको? विग्नेश, अनुवर्त, टेन इनवर्स माइनस वन। देखो जब भी नेगेटिव होता है बाहर निकालो। जैसे देखो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, क्या करो माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री कर दो। टेन इनवर्स माइनस इंफिनिटी, माइनस टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय टू, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। हमेशा नेगेटिव टेन के इनवर्स के बाहर निकाल लो। देखो यहां पे भी मैंने नेगेटिव बाहर निकाला है, टेन इनवर्स वन बाय टू। अबे क्या मतलब समझ नहीं आया? टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन पाई बाय फोर होगा ना, माइनस पाई बाय फोर होगा ना। किस वैल्यू पे माइनस वन आता है? पाई बाय फोर पे, सॉरी वन आता है पाई बाय फोर पे। नहीं आ रहा, आया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला करो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, डू दिस वन। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। अब हम मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे डिवीजन फॉर्म में, तो मॉड्यूलस डिवाइड होगा, मॉड्यूलस ऑफ टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ फाइव प्लस रूट थ्री आई क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ फोर प्लस 36 इंटू थ्री 108 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 9। करो आप मेरे से पहले करो, आपको मुझसे फास्ट बनना होगा। देखो जब आप मेरे से फास्ट करने लगोगे, जब आपके क्वेश्चंस की स्पीड फास्ट होगी। 25 प्लस 3, हाँ बस गलती मत करना मेरी तरह। चलो बताओ क्या आंसर होगा। रूट फोर आ रहा है, टू आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइव प्लस रूट थ्री आई। लेट्स ट्राई दिस वन, टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई, इसका क्या होगा आर्ग्यूमेंट? टेन इनवर्स सिक्स रूट थ्री बाय टू माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री बाय फाइव। ये क्या हो जाता है? टेन इनवर्स थ्री रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री बाय फाइव। अब प्रॉपर्टी लगा दे, टेन इनवर्स ए माइनस बी राइट, अपॉन वन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन इनवर्स फोर्टीन रूट थ्री अपॉन फाइव माइनस नाइन माइन अपॉन माइनस फोर। टेन इनवर्स फाइव बाय थ्री आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ की। थ्री रूट थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री बाय फाइव, फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन रूट थ्री अपॉन फाइव प्लस, अच्छा प्लस है फाइव प्लस नाइन फोर्टीन। टेन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू पाई बाय थ्री, वेरी गुड सूरज इज वेरी फास्ट। कितनों का आया समझ में या बना? कितनों का आया समझ में या बना? तो आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज देखो, क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टीज याद आएगी। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए कि मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाए। मैं वेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा से देखो समझो। आई विल वेट फॉर वन मिनट, कोई जल्दी नहीं है, टेक टाइम।
मुझे लगता है आज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ज्यादा नहीं। जैसे मॉड्यूलस का डिवीजन, ये मैंने पेपर में डाला है, आर्ग्यूमेंट नहीं डालना, थोड़ा बहुत तो क्लास में उनको एडवांटेज देना चाहिए। ओके, अब ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना है? मॉड्यूलस, राइट? आप सोचोगे अरे तो इतना बड़ा मॉड्यूलस, यस प्रीवियस लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, जब तक आप सब अपनी अटेंडेंस भेज दो। यस, एम्पलीट्यूड का मतलब कॉन्जुगेट होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड का मतलब कॉन्जुगेट नहीं होता, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्ग्यूमेंट होता है। सर बोलो। सर थर्ड लास्ट स्टेप में 1 माइनस नहीं होगा सर? कौन सा? थर्ड लास्ट स्टेप ये वाला आर्गुमेंट। देखो, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ab, जब माइनस रहता है। जैसे यहां पे माइनस रहता था तो साइन चेंज होता था, तो नीचे प्लस है एक्चुअली, इसलिए 1 प्लस 3√3। आया समझ में? यस सर। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ता हूँ कि फर्स्ट, अगर मुझसे पढ़ना है तो आपको पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जब भी आप पढ़ पाओगे। चलो बताओ, व्हाट कैन बी द फर्स्ट कंडीशन इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी? क्या होती है पहली कंडीशन? यस प्रतीक, व्हाट शुड बी द फर्स्ट कंडीशन इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी? डाउट पूछो नहीं, सॉल्व बिफोर यू नहीं, स्पीड नहीं, ये बाद में। सबसे पहले आपको मेरी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। देखो, राइटिंग समझ में आएगा तो सब बाकी कुछ समझ में आएगा, राइट? आधे स्टूडेंट बेचारे यही फेल हो जाते हैं। अच्छा, आती है फिर, ठीक है। देखो, मैं बहुत छोटा था शायद 4th या 5th क्लास में, शायद 6th में पहली बार पेन आते, राइट? 5th में, शायद 5th में, हाँ। तो मैं इंग्लिश में फेल हो गया। इंग्लिश बहुत, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने बोला मैम आपने मुझे फेल क्यों कर दिया? फिर उन्होंने बोला देखो अपना पेपर, तुम्हारा ए, तुम्हारा ओ, तुम्हारा ई, तुम्हारा एल, तुम्हारा आई, सब एक ही जैसा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या लिखा है। तो मैंने गुस्से में आके सब काट दिया। फिर उसने मुझे क्या किया, उसने खुद मुझे खरीद के एक बुक दी इंग्लिश की, वो 4 लाइन वाली, तो मुझे लिखती थी ऐसे, कैट लिखो, लिखती थी कैट। फिर बोलती थी चलो इसको 10 बार लिखो, फिर हैन इसको 10 बार लिखो, फिर ई लिखती थी, बोला इसको 20 बार लिखो, ओ इसको 10 बार लिखो। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। ऐसे करके थोड़ी राइटिंग सुधरी मेरी, ये तो बहुत खराब थी। चलो, तो कई बार पेरेंट्स आते थे, बोलते थे इसकी राइटिंग कितनी गंदी है, क्या इसके मार्क्स आएंगे, क्या इस टीचर समझ पाएगा। मैंने बोला कि मैम मेरे 10th 12th पे 90 अबव आ गए मैथ साइंस में, अगर मेरे जैसे के आ गए तो बाकी के तो आ ही जाएंगे, तो चिंता मत करो, ये इससे की राइटिंग मेरे से तो अच्छी है, तो फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सर ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस निकालो। देखो, मॉड्यूलस में क्या क्या प्रॉपर्टी है? इंडिविजुअल, मल्टीप्लिकेशन और पावर। अब देखो इसको मॉड्यूलस में कैसे करेंगे। मॉड ऑफ 3 प्लस 4i इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस i इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस √3i अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस i मॉड ऑफ 4 माइनस 3i मॉड ऑफ 2i पूरे का पावर 2, मतलब पावर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ये मल्टीप्लीकेशन की, एक डिवीजन की और एक पावर की। देखो अगर पावर अंदर है तो मॉड के बाहर आ सकती है, राइट? तो ये पावर क्या हो गई है,
मैंने मॉड के बाहर लिया है. यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड हियर? चलो निकालो मॉड्यूलस, बहुत इजी है. आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो. 3 + 4i का क्या होगा? 5. 1 + i का √2. √3 + i का 2. अपॉन 1 - i √2. 4 + 3i 4 - 3i 5. 2i का 2. और इस पूरे का स्क्वायर. मुझे लगता है सब कट गया. टेस्ट कब है? मोहित सर से पूछना पड़ेगा. वो तो देखो, √2 √2 कटा, 2 2 कटा, 5 5 कटा, क्या आ गया? 1 आ गया. बनाया, वेरी गुड. आपने मुझसे पहले कर लिया, वेरी नाइस. अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं. अब देखते हैं कौन आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं. यू चैलेंज मी, यू डू बिफोर मी. देखो आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो कहाँ आती है? वो बाहर आ जाती है. तो 2 पूरा बाहर आ जाएगा. अब देखो 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ थ्री प्लस फोर आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 3i. नीचे के माइनस होंगे. आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 - 3i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2i. अच्छा 1 + √3. चलो ठीक है, अब करते हैं. 2, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स √3. 1 + √3i क्या हो जाएगा? √3. अब देखो 1 - i कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 - i मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट? तो डायरेक्ट लगा दो, प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स -3/4. ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है. माइनस, अच्छा 2i/0 है, सॉरी, माइनस tan इनवर्स 2i/0. यस, आपको ये चीज बतानी थी, मैं हर बार भूल जाता हूं. देखो tan 37 इज 3/4, tan 53 इज 4/3. सिमिलरली cos 37 इज 4/5, cos 53 इज 3/5. रियल पार्ट 0 है ना? रियल पार्ट 0 है, यस, रियल पार्ट 0 है ना, 2i. यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? देखो अब आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है. एक मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, और एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाली, एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली. अभी मैंने ये सब प्रॉपर्टीज यूज की है, राइट? यस, चलो सॉल्व करते हैं. ये याद रखना आप, ठीक है? सी 2 You can chat. Oh, sorry. मैं गलती से मैंने गड़बड़ कर दी.
सर वो 53 डिग्री था या रेडियन? डिग्री 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 वो डिग्री है, डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 50 4 बाय 3 क्या हो जाएगा 53। ओके बड़ा लिखो 253 प्लस 10 इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 45। ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट 3 60 प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 3 बाय 4 माइनस 10 इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 90। इंफिनिटी है ना 2i बाय 0। अब ये भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं 253 प्लस 45, मैंने गलती से 9 लिख दिया, प्लस 60 प्लस 45 प्लस 3 बाय 4 क्या हो जाएगा 37 माइनस 90। Our class started when? 3 o'clock. ध्यान रखो टाइमिंग का वेदांत। अच्छा 4 o'clock समझ के आए हो? तो ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। टोटल क्या आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करके 330 आ रहा है, पूरा 2 से मल्टीप्लाई करके। टू इंटू 330, 330 या 300? तो टोटल 600 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया 600। इसको फिट करो, फिट करो इसे, बहुत ज्यादा आगे चला गया। क्या होगा फाइनली? है अच्छा 2 into 150 is 300। 300 मतलब यहां देखो मेरा आर्ग्यूमेंट 300 आया है, मेरा आर्ग्यूमेंट 300 आया है, लेकिन मैंने आपको एम्पलीट्यूड बताया था। एम्पलीट्यूड की रेंज क्या होती है? एम्पलीट्यूड शुड बी फ्रॉम वेयर टू वेयर? एम्पलीट्यूड शुड बी फ्रॉम -180 to 180। देखो आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड माइनस पाई टू पाई, राइट? माइनस पाई टू पाई, ये 300 है, तो उल्टा जाओ क्या हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। सूरज माइनस पाई टू पाई होता है, माइनस पाई टू पाई मतलब माइनस पाई बाय 3 आंसर। एम्पलीट्यूड माइनस पाई टू पाई। कितनों का आया समझ में? कितनों का आया? अब थोड़ा प्रॉपर्टीज से थोड़ा और, लेट्स प्ले विद प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। आज मैं कुछ सेंगेज के क्वेश्चन लाया हूं, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z1 प्लस z2 का मॉड। z1 ये है, z2 ये है। ठीक है, दिस इज ओपन पोर्टल, anyone can share how to do it. कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी? मैक्सिमम एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। जितना समझ सकते हो समझो वेदांत, रिकॉर्डिंग तो है ही, पेपर में आज का पोर्शन नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, लेकिन इफ यू फील यू कैन स्टे। कोई एक स्टूडेंट एक विकेट गिर गया, आई डोंट नो हु वेंट। z1 प्लस z2 का मॉड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? What is the maximum value of z1 plus z2 mod? It should be always less than equal to individual addition. याद आ रहा है? मतलब maximum value क्या आ सकती है? Individual addition.
एंड सबसे कम वैल्यू क्या आएगी, मॉड्यूलस की सबसे कम वैल्यू क्या आएगी, जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का सबट्रैक्ट। कितनों को आ रहा है समझ में, ये पढ़ा था मैंने, मैंने पढ़वाया था ये, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज लीस्ट वैल्यू, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। विद दिस ऑल्सो इवन विद अवर दैट मॉड्यूलस जो हमने मैथमेटिक फंक्शन पढ़ा है, राइट, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ 24 प्लस 7i का मॉड प्लस 6, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या, मॉड ऑफ 24 प्लस 7i माइनस 6 का होल मॉड, क्या आ जाएगा ये 24 7 25, दे आर ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरस, 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31, दिस इज 25 माइनस 6 क्या आएगा 19, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 31, मिनिमम वैल्यू क्या है 19। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, स्टूडेंट्स अगर एक बार ना मैं दिसंबर एंड में, दिसंबर मिड समझ लो जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, I'll give you sengage, मुझे याद दिलाना, अभी कोई मतलब नहीं है। जनवरी फेब्रुअरी आपके पास है, वेरी गुड। जनवरी फेब्रुअरी जो टाइम रहेगा आपके पास, जितना सेंगेज लगा सकते हो उतना लगाओ, पूरा पागल जैसे लगाना, पागलों जैसे। अभी मत करो, डोंट डू नाउ। जब आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी ना, देखो स्कूल का इतना 11th का बोर्ड्स का आई सजेस्ट, इतना टेंशन मत लो। अगर आपकी गलती से 85 की जगह 87, 80 भी आ गए, 85 से 80 भी आ गए, और अगर आपने सेंगेज लगा लिया तो आपकी सक्सेस है। वैसे अगर वो कर लोगे तो स्कूल के आ ही जाएंगे, है ना। KPKY जैन में है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ, इफ यू ऑल नीड आई कैन गिव यू। लगाने की कोशिश करो, डिस्करेज मत होना, डोंट गेट डिस्करेज। इफ यू फील आई कैन गिव यू सेंगेज, कंप्लीट सेंगेज लगाओ, जो डाउट है पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ये वाला क्वेश्चन, if z1 minus 1 is less than equal to 1, z2 minus 2 is less than equal to 6, हाँ मैंने देखे, आज तो टाइम नहीं मिल पाया एकदम से क्योंकि अभी बायो क्लास दी है, मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। z3 minus 3 is less than 3, then the greatest value of z1 plus z2 plus z3 is, try करो students, how to do this, how can we do this, z1 minus 1 is less than equal to 1, z2 minus 2 is less than equal to 2, z3 minus 3 is less than equal to 3, then the greatest value of z1 plus z2 plus z3. Kya? 25 minus 6 ka whole mod bhi lena tha na. Whole mod positive hai na, finally positive karega. Hum whole mod kyun lete hain? Kai baar answer minus 19 aata hai, to usko plus karna padta hai. Only that is the reason. ठीक है ना, ध्यान रखो। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ambition के लिए बहुत helpful है, sorry mains के लिए, अब mains नहीं, लेकिन अगर advance crack करना है तो सेंगेज को फिर लगाना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अभी I will not suggest, पहले mains फिर advance, right? तो ठीक है, z1 minus 1 less than 1, z1 z2 minus 2 is less than equal to, greatest value of z1 plus z2 plus z3. अब देखो इसको कैसे करते हैं, z1 plus z2 plus z3, how I will write, I will write this as z1 minus 1 plus 1 plus z2 minus 2 plus 2 plus z3 minus 3 plus 3. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे z माइनस वन पता है, मुझे z वन तो नहीं पता, तो मैं माइनस वन प्लस वन करूंगा, इससे क्या होगा, मुझे क्या मिल जाएगा, z वन माइनस वन एक पेयर मिल गया,
प्लस जेड टू माइनस टू एक पेयर मिल गया, जेड थ्री माइनस थ्री एक पेयर मिल गया, प्लस सिक्स। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जेड वन माइनस वन का इंडिविजुअल मॉड, या फिर आई कैन राइट विच इज लेस देन इक्वल टू जेड वन माइनस वन का मॉड प्लस जेड टू माइनस टू का मॉड प्लस जेड थ्री माइनस थ्री का मॉड प्लस सिक्स का मॉड। इंडिविजुअल मॉड से लेस, इंडिविजुअल मॉड से लेस। देखो जैसे जेड वन प्लस जेड टू प्लस का मॉड इज ऑलवेज लेस देन जेड वन मॉड प्लस जेड टू मॉड, वैसे इफ आई टेक जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एन का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल मॉड। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में, यहां तक कितनों को आ रहा है, आ रहा है। अब ये वैल्यू देखो, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मुझे दी है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल डू विच इज लेस देन इक्वल टू सिक्स प्लस, सही पहला वन है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, ट्वेल्व, ये आंसर आ गया। देखो जब जेड प्लस वन मैक्सिमम होगा, जेड प्लस टू मैक्सिमम होगा, जेड प्लस थ्री मैक्सिमम होगा, जब भी पूरा मैक्सिमम होगा, जब भी पूरा मैक्सिमम होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स क्या आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, राइट, दिस इज द आंसर। कितनों को आया समझ में, यस ट्वेल्व इज आंसर, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, किस सब्ट्रैक्शन में ज्यादा सबसे कम वैल्यू वाली, इसमें तो मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकता, इसमें मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वन, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही दी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इस केस में निकाला, इस केस में, इसमें हम निकाल सकते हैं, इसमें मिनिमम नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे सबकी मैक्सिमम वैल्यू दी है, अगर मुझे सबकी मिनिमम वैल्यू दी होती तो मैं निकाल सकता, मुझे नहीं दी है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, जब मैं इस पे आ रहा हूं, आई एम रेजिंग दिस, आपको ये नोट्स में चाहिए या आई कैन इरेज दिस रेड एंड ब्लू पार्ट, डू यू नीड दिस और शैल आई इरेज, यू नीड, चाहिए चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस ग्रेटर देन इक्वल, एक और स्टूडेंट आ गया, ओके अगर आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया प्लीज अटेंडेंस दे दो अपनी, प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस, और आप थोड़ा ध्यान दिया करो, आप लग रहा है कि चार बजे सोच के आए हो क्लास में दोनों। अब देखो रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने आज का टॉपिक्स नहीं रखे हैं पेपर में, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया करो, कई बार क्या टीचर की अवेलेबिलिटी लेफ्ट राइट हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना प्लीज, ओके ना, जिसने नहीं दिए वो अटेंडेंस दे सकता है। अब देखो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली रियल, इफ माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली रियल, तो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जेड बार, और आई कैन राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इफ इट इज ओनली इमेजिनरी तो क्या होगा, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस पाई बाई टू,
इस बार ड्यू टू सम रीजन इट इज चेंज, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो टीचर की अवेलेबिलिटी थोड़ी गड़बड़ हो रही थी. समटाइम्स सम पर्सनल इश्यूज कम्स, राइट? दैट्स व्हाई वी चेंज. यस यस, आई वाज इन्फॉर्मड अबाउट यू. यस यस, आई वाज इन्फॉर्मड. फॉर यू एंड मानव ओनली आई हैव रिड्यूस्ड लेबर. फॉर बोथ ऑफ योर प्लेजर आई हैव रिड्यूस्ड लेबर. आज का मैं टॉपिक नहीं डालू. चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब ये वाला करते हैं. अब वापस लोकस पे आ गया मैं, लेकिन अब थोड़ा एडवांस. जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी जेड सच दैट वन प्लस जेड बार अपॉन जेड इज अ रियल नंबर. ये रियल है. अब देखो कैसे करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. जेड बार क्या होगा? x माइनस आई वाई. वन प्लस जेड बार अपॉन जेड क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स माइनस आई वाई अपॉन वन प्लस सॉरी एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू. अब देखो ये रियल नंबर. अब देखो डिनोमिनेटर को मुझे हटाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं? देखो जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स हो, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स हो, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? हम रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर का रेशनलाइज बहुत आसान है. देखो हमेशा याद रखना, वन अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट लिखो, a minus ib upon modulus of a plus ib. This is rationalization. For example, suppose I have denominator 1 upon 2 plus 3i. I can write it as 2 minus 3i upon mod of 2 plus 3i ka square aata hai. So this is the quick way of rationalizing. So 1 plus x minus i y upon x plus i y ka mod ka square into x minus i y. कितनो को आया समझ में? डिनोमिनेटर का मॉडुलस स्क्वायर कर दो और इसको क्या कर दो? कॉन्जुगेट. लाइक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. यस, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओनली. ठीक है, जब भी किसी भी चीज का आया साक्षी समझ में. इससे क्या होगा? इससे मेरा आइदर स्टिल. ठीक है, सपोज मेरा है 1 अपॉन 3 प्लस 4i. अब देखो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है डिनोमिनेटर से. क्या करूंगा? इसका कॉन्जुगेट लिखो, 3 माइनस 4i अपॉन मॉडुलस क्या होगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4i अपॉन 5. बोथ आर सेम. जैसा आप कर देते अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2, राइट? बचपन में क्या था, डिनोमिनेटर में रूट 2 नहीं होना चाहिए. क्या करते थे? 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2 करते थे कि नहीं? वही चीज मैं यहां कर रहा हूं. नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट अलाउड नहीं है. तो 3 प्लस 4i अगर लॉन्ग टर्म से करना है तो कैसे करेंगे? 3 माइनस 4i अपॉन 3 माइनस 4i क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i अपॉन 9 माइनस 4i स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस 4i अपॉन 25. फाइनली क्या हो रहा है? 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू मॉड कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. दिस इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. One more example. 2 plus 3i upon 12 plus 5i. Yes, multiplicative inverse है. मैं उस पर आया नहीं हूं. 2 plus 3i upon 12 plus 5i ये क्या करूंगा?
मॉड ऑफ 12 प्लस 5 वाई का स्क्वायर इनटू 12 माइनस 5 वाई क्या जाएगा 2 प्लस 3 आई इनटू 12 माइनस 5 वाई अपॉन क्या हो जाएगा ये 169 ये आंसर हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. अब देखो इसको अगर लंबे तरीके से रैशनलाइज करना है तो 12 माइनस 5 वाई से कॉन्जुगेट है ये ऐसा है ब्रैकेट अपॉन 12 माइनस 5 वाई करो तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सब रियल बन जाते हैं. बहुत आया था वेज ऑफ डूइंग ये क्या फास्ट मेथड है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब क्विक फास्ट. आया समझ में साक्षी. यस गुड. कहां पे था मैं यहां पे था नहीं क्वेश्चन ही भूल गया मैं ये था राइट. हाँ तो अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो क्या जाएगा अब इसको सॉल्व करो क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ये आई एस माइनस आई सॉरी ये वाई होगा माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई कुछ नहीं क्या बस मल्टीप्लाई किया है. वन प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया फिर वन प्लस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया बट ये इमेजिनरी है. वाई और वाई को मल्टीप्लाई किया अच्छा आई स्क्वायर आएगा प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई अपॉन दिस यहां तक कितनों को आया समझ में. देखो वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई निकाल लो वन प्लस एक्स वाई प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देखो दिस इज अ रियल नंबर दिया है बिलोंग्स टू रियल नंबर. बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या. देखो जब भी कुछ रियल होता है इसका मतलब क्या इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा राइट. हम करते हैं ऐसे इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो क्या आ जाएगा दिस होल बिलोंग्स टू अ रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट जीरो क्या हो जाएगा y प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो वाई कॉमन निकाल लो वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा y इक्वल टू जीरो आ जाएगा एक आंसर x इक्वल टू माइनस वन बाई मतलब ये क्या है वॉट इज दिस दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्यों दो लाइन्स आ रही हैं y इक्वल टू जीरो मतलब क्या y इक्वल टू जीरो मतलब ये x एक्सिस x इक्वल टू माइनस हाफ क्या फाइनली आंसर क्या आएगा दो लाइन आएंगी क्या क्या y इक्वल टू जीरो ये एक लाइन आई एंड y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस वन बाई टू टू लाइन ये दोनों मिलके क्या बन रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो लाइन एक इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट So you have taken imaginary part to be real part. ऐसा है क्या नहीं ये दोनों रियल है. देखो वन प्लस एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा रियल है ना
और ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आई वन हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर ये पूरा रियल हो जाएगा और जहां पे आई है वो इमेजिनरी होगा। क्वेश्चन में दिया है दिस बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, दिस बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, व्हाट डज इट मीन? इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। देखो जब भी एनीथिंग इज अ रियल नंबर, सपोज जेड इज अ रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, पहली कंडीशन। इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूं क्योंकि तीनों में से यस आई विल बी इमेजिनरी पार्ट। देखो हमेशा याद रखना, whenever it is written फॉर अस, सपोज जेड इज अ रियल नंबर। देखो तीन चीजें इससे पता चलती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो पहली चीज, दूसरी चीज पता चलती है जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, तीसरी चीज पता चलती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इफ जेड इज अ इमेजिनरी नंबर, इज एन इमेजिनरी नंबर, इससे मुझे क्या पता चलता है? रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, तीसरा क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस पाई बाई टू। तो ये तीनों क्या है? एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज होती है। अब क्या यूज होता है वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब हम फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। देखो यू कंसीडर रियल पार्ट, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ रियल ना, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ रियल, हाउ यू कैन कंसीडर रियल पार्ट? अब देखो आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड इफ रियल ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस, इफ रियल ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस। अब देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, रियल ऑफ जेड प्लस वन, पहले जेड प्लस वन लेते हैं, सूरज आपको आ रहा है एक्स प्लस वन प्लस आई वाई, जेड माइनस वन क्या होगा? एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, रियल ऑफ जेड प्लस वन क्या होगा? रियल ऑफ जेड प्लस वन क्या होगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा। एंड जेड माइनस वन का मॉड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कितनों को आया समझ में? देखो क्वेश्चन को लेके कर चलते रहो, टेक क्वेश्चन एंड मूव ऑन विद द क्वेश्चन। दोनों इक्वल हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा देख के क्या लग रहा है, थोड़ा देख के क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि कॉनिक इक्वेशन होगी। यस प्लीज एक्सप्लेन अगेन, यस आई विल एक्सप्लेन। देखो जेड प्लस वन, जेड क्या? मैंने एक्स प्लस आई वाई ले लिया, जेड प्लस वन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन प्लस आई वाई। जेड माइनस वन क्या होगा? एक्स माइनस वन प्लस आई वाई। रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन एक्स प्लस वन हो गया, जेड माइनस वन का मॉड क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखो रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस वन, सॉल्व कर दो इक्वल करके, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। मुझे लगता है ये कुछ पैराबोला जैसा लग रहा है, राइट? देखो एक्स स्क्वायर वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वन कट जाएगा, फोर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैराबोला। कैसा आएगा? ऐसा। देखो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस,
कंचन आप कनेक्ट कर पा रही हो? वेरी गुड. लोकस, लोकस बताया था. लोकस ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मोशन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑब्जेक्ट. लोकस ऑफ अ पॉइंट याद आ रहा है, पढ़ा था. लोकस ऑफ पॉइंट, बिग मून. जेड क्या होता है? जेड इज नथिंग बट मोशन ऑफ एक्स एंड वाई. देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन. जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता था ना, एक्स कॉमा वाई. जेड में क्या होता था? एक्स प्लस आई वन. सपोज इफ आई राइट 2 + 3i, वॉट डज इट मीन? एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3. क्या हो गया? 2, 3. वही सेम है, 2 + 3i. फोर्थ लास्ट स्टेप. रियल ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस वन. रियल ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन. तो रियल ऑफ जेड प्लस वन क्या होगा? एक्स प्लस वन, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन. दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. एक्स प्लस वन का स्क्वायर. अब मैंने स्क्वायर किया ना, वन क्यों लिया? हाँ, एक्स प्लस वन क्यों लिया सर? क्योंकि ये रियल पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. वाई इज इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ है वो इमेजिनरी होते हैं. एक्स प्लस वन होगा, ये रियल पार्ट है ना. देखो रियल ऑफ जेड प्लस वन. आया समझ में? नो सर. ओके, व्हाट इज रियल ऑफ 2 + 3i? 2 इमेजिनरी ऑफ 2 + 3i. 3 वैसे इमेजिनरी ऑफ एक्स प्लस वन प्लस आई वाई. क्या हो जाएगा? वाई होगा. देखो इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ है. लास्ट क्वेश्चन में भी यही क्या? देखो इट्स अ रियल नंबर, इमेजिनरी इक्वल टू जीरो. तो मैंने इसको जो आई के साथ है उसको जीरो इक्वेट किया. आया समझ में? जो आई के साथ है वो इमेजिनरी होता है. 5 + 6i, जो आई के साथ है वो इमेजिनरी होता है, जो बिना आई के वो रियल है. आया कि नहीं? कुछ बोलो भाई, टाइप किया क्या? सर क्या डाउट है आपको? डाउट क्या रहे बताओ. सर कुछ भी नहीं समझ आया. दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ आया? नहीं सर, इसी क्वेश्चन में नहीं समझ रहा. देखो रियल ऑफ जेड प्लस वन क्वेश्चन में दिया है, रियल ऑफ जेड प्लस वन. ये चैप्टर मैं क्या सा थर्ड क्लासेस हो रहा इसकी, लेकिन बाकी पुराना 11th का, ये थोड़ा 11th के बाहर का है. मतलब कि आपका लॉस नहीं हुआ. देखो जेड प्लस वन रियल ऑफ जेड प्लस वन. जेड को एक्स प्लस आई वाई लिया. जेड प्लस वन क्या होगा? जेड प्लस वन होगा एक्स प्लस आई वाई प्लस वन. अब देखो x प्लस वन रियल पार्ट एक साथ ले लो, आई वाई इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लो. रियल ऑफ z प्लस वन क्या होगा? x प्लस वन होगा. वैसे z माइनस वन क्या होगा? x माइनस वन प्लस आई वाई. तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस वन क्या होगा? x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों को इक्वल कर दो. अब आया कि नहीं? Yes, sir, I'm bye. चलो आ गया. चलो बायो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं. आई एम एंडिंग. ठीक है, किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू यूज. थैंक यू वेरी मच. वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीक.